देखना कि हमें से कौन ज्यादा बोर है। पूजा हो चुकी है खत्म। आज मैं बना रही हूँ फेस पैक। फेस वॉश हो चुका है डन। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स अ डे टू और अभी हम फटाफट पहले उठ के ब्रश व्रश करनी है एंड देन मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और फिर करते हैं दिन की शुरुआत। ये व्लॉग कल से कंटिन्यू चलते हुए आ रहा है। दर्शन करने सुबह सुबह पूजा हो चुकी है खत्म। अब मैं घर जा रही हूँ, फटाफट घर जाके मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं वर्कआउट के लिए। वर्कआउट किया मुझे बहुत टाइम हो गया घर में, बीच में थोड़ा ऐसा ही ना माहौल सेट हो नहीं पा रहा था। सो अब फाइनली मुझे काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट छोड़े, अब मोर देन अ मंथ। तो अब दोबारा से शुरू करते हैं ये गड़बा हाथ में लेके। मैं इसमें शिव भगवान के लिए जल और दूध लेकर जाती हूँ। सो वर्कआउट में आज तो मैं कुछ नहीं करने वाली, आज तो मैं कार्डियो करने वाली हूँ। नॉर्मल वॉक करूँगी, थोड़ी बहुत ऐसी एक्सरसाइज करूँगी, बॉडी स्ट्रेचिंग, दैट्स इट। बाकी कल से मैं अच्छे वर्कआउट करूँगी और मैं वीडियोस भी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट। भाभी ने चार इडली खा ली है, वैसे जच्चा के लिए इतना ठीक नहीं है। ब्रेकफास्ट हो चुका है डन। मैं बनाने वाली हूँ दाल। दाल में मैं लेने वाली हूँ प्याज, ये वाली टमाटर और ये थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन। कढ़ाई रेडी, अब बनाते हैं हम बहुत अमेजिंग सी दाल। चावल बन के रेडी हो चुके हैं। तड़का लगाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ अरहड़ मसूर की दाल। सो मैंने यहाँ पे तैयारी कर दी दाल बनाने की। फटाफट कढ़ाई रखी, ऑयल डाला, प्याज डाली, टमाटर और ये दाल रेडी हो चुकी है। मैंने अपने लिए बनाया ये वाटरमेलन जूस। पियोगे आप? यार आप तो बिना नहाए भी कितने हैंडसम लगते हो, मानना पड़ेगा ये बात तो। लंच में मैंने लिया वाटरमेलन जूस एंड अमरूद। आज मैं बना रही हूँ फेस पैक। मैंने लिया है एक आलू, एक टमाटर, एक नींबू। पहले इसको मैं अच्छे से मिक्सी में पीस दूंगी और पीसने के बाद इसमें बेसन मिक्स करना है। तो शुरू करते हैं। इसके बाद हम लेंगे बेसन और जो हमने पेस्ट बना दिया है उस पेस्ट को इस बेसन में मिक्स कर देंगे। हम इसमें मिलाएंगे बेसन और बेसन इतना मिलाना है कि जिससे ये पेस्ट थिक हो जाए। आप इसको किसी डब्बे में पैक करके फ्रिज में भी रख सकते हो और अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब विद इन 2-3 डेज आप इसे यूज कर सकते हो, कुछ खराब नहीं होता है इसका। अच्छे से बेसन को इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी इसमें टर्मरिक मिक्स कर लेंगे। और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इसको आपको दिन में कभी यूज नहीं करना है वरना आपको ज्यादा टैनिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें हल्दी है, नींबू है, तो इसको दिन में यूज नहीं करना है, रात को ही यूज करना है और फिर रात को कोई लोशन लगा के सो जाना। मैंने इसमें थोड़ी हल्दी डाल दी है, जितनी हल्दी मुझे इसमें डालनी चाहिए। मैंने इसे कंटेनर में शिफ्ट कर लिया है, अब मैं जब चाहूँ इसे यूज कर सकती हूँ, बट मैं आज ही लगाने वाले तो दिखाती हूँ आपको। इसके साथ मैंने फटाफट सारा काम खत्म किया और फिर मैं गई पैक लगाने के लिए। सबसे पहले फेस पैक लगाने से पहले हम अपने बालों को अच्छी तरह टाई कर लेंगे। सो मैंने इनको टाई कर लिया अच्छे से, बाल मेरे आगे नहीं आएंगे। और ये मेरा मेकअप का एक ब्रश है जो मैं वैसे मेकअप में यूज़ नहीं करती हूँ, इससे मैं लगाने वाली हूँ पैक। मैं थोड़ा पतला ही यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा थिक नहीं, क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। सो ये पैक मैं एक लड़के को भी लगाने वाली हूँ जो कि बहुत काला है और मुझे लगता है कि उसको गोरे करने का टाइम आ गया है। देख लो भाई कितना काला है। सो अभी मैं ये ब्रश चेंज करने वाली हूँ, इसको वॉश करने वाली हूँ। वॉश करने के बाद मैं ये रोहन को लगाऊंगी, मिलते हैं वॉश करने के बाद। ब्रश हमने वॉश कर लिया है और फटाफट हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मुझे कोई नहीं लगवा दो प्लीज। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है इसलिए पैक शेयर कर रहे हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं करना। मुझे बहुत आलस आ रहा है इसलिए मैं अपने पैक से ही रोहन को लगा दे रही हूँ। लो फटाफट, थोड़ी सी जलन होगी, बदबू नहीं है, वो नींबू है इसमें। क्या है ये? नींबू है, टमाटर है, आलू है, पूरी सब्जी है, एक तरह की एक टाइम की सब्जी है इसमें। तो जैसे सब्जी हमारे हिस्से की जैसे ग्रेवी सब्जी बना लो ना फिर छोंक दो इसे। ये ग्रेवी है, ये
नहीं सच में ना इसको ना 10 मिनट लगाओगे ना इतना क्लीन टैनिंग निकल जाएगी, आप पूरे दिन बाहर रहते हो तो इसलिए। फेस वॉश करना पड़ता ना पहले? नहीं, साफ पानी से धो लिया ना अपना चेहरा, बस उतना ही काफी। हाँ मतलब फेस वॉश कर लिया ना उतना ही काफी है आपको। मैं ज़्यादा थिक नहीं लगा रही हूँ, बस नॉर्मली, क्योंकि फिर आप इतने अच्छे से मसाज करके निकाल नहीं पाओगे ना। ऐसा करो लेना वो आप कर देना, इतनी लग्जरी चाहिए अब आपको। सो डन विद द फेस पैक, डन। अब हमें देखना है कि हमें से कौन ज्यादा गोरा लगेगा, ऑब्वियसली ये, क्योंकि ऑलरेडी मुझसे बहुत गोरे हैं। सो ये गोरे वोरे ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको गोरा ही दिखना है, ये जस्ट ऐसा है ये ग्लो के लिए। और टैनिंग हो गई, मुझे बहुत टैनिंग हो गई, मैं कई दिन अभी बाहर रही थी तो मुझे टैनिंग हो गई, वो टैनिंग को बहुत जल्दी रिमूव करता है, तो टैनिंग रिमूव हो जाएगी। कल मेरे मतलब हमारे घर पर छोटा सा फंक्शन है तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो आज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, मैंने जस्ट वर्कआउट किया, आपने देख ही लिया होगा आज का, तो आज ज़्यादा व्लॉग नहीं हो रहा, लेकिन कल के व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है। मेरा फेस प्रॉपर ड्राई हो चुका है एज यू कैन सी। मैं फेस वॉश कर लेती हूँ अच्छे से एंड देन दिखाती हूँ उसके बाद। तो फेस वॉश करने के बाद फेस कुछ ऐसा हो गया है, और अब मैं इस पर लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइजर, सीरम, प्रॉपर आई क्रीम जो मैं डेली अपना रूटीन करती हूँ, और वो सब लगाने के बाद मैं सो जाऊँगी। एंड मिलते हैं हम अब कल एक नए व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाई।